हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आप सभी को बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी का कुछ समस्या है, तो हम आज जितनी भी समस्याओं पर बात करेंगे आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूं सारी चीजों की कि क्या क्या समस्या है और इस पर मैं क्या समाधान लेकर आया हूं। आपकी समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सुबह ही बताया था कि मैं शाम को वीडियो लेकर आऊंगा, और तब से मैं जितने भी लोग हैं उन सभी से हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जितने भी हमारे जो स्टाफ के लोग हैं या जितने भी लोग हैं मुझसे सीनियर हैं जिनको स्कॉलरशिप के बारे में अच्छी नॉलेज है, इनके डाउट्स के, तो उनसे जो मैंने बात की है, जो जो चीजें यहाँ पर निकल कर निवारण आई है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे जो चीजें हम बताने वाले हैं आपको। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए, तो अब हम धीरे धीरे करके हम बात करते हैं अपने हर एक चीज पर। एक डाउट आप लोगों को सबसे ज्यादा जो परेशान किया है वो है बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड एंड अकाउंट बट यू आई डी इज इनवैलिड, सबसे इस पर ही हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में एक जो है जो डाउट आया है उसमें आया है कि सर हमारे में आवेदन संशोधित करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, सब में यस यस है और सब में ग्रीन टिक है। ये भी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरा है कि स्क्रूटनी रिजल्ट में सर कुछ दिखाई नहीं रहा है, और एक है कि सर हमारे में स्क्रूटनी रिजल्ट ही नहीं दिखा रहा, मतलब स्क्रूटनी रिजल्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, और मतलब सारी चीजें हम लेकर बैठे हैं आपके पास कि आपकी क्या क्या दिक्कत है। और किसी का जो है हाई स्कूल रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब मैच नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों पर भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, अब धीरे धीरे एक एक चीज को हम लोग क्लियर करते हैं। देखो कि आप लोग देखे होंगे इसमें से बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे हमारी बातों से कि कल शाम को कुछ और दिखा रहा था स्कूटी रिजल्ट में और आज जो है कुछ और दिखा रहा है। बहुत सारे बच्चे एग्री करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं कि सर कल हमारे में ये दिखा रहा था आज हमारे में ये दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर का इशू है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सर मेरा जो है हाई स्कूल का नंबर वंबर कुछ नहीं गलत है, फिर भी वो बेफालतू में पता नहीं क्या गलत करके उसमें बता रहे हैं स्कूटी रिजल्ट में। तो देखो, सबसे पहले तो वो बच्चे जिनको हर एक चीज बिल्कुल सही लग रही है, सुन लीजिए, जिनको हर एक चीज सही लग रही है फिर भी स्क्रूटनी रिजल्ट में पता नहीं क्या है गलत सलत चीजें दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं पैनिक होना है। आप अपने कॉलेज चले जाइए और कॉलेज में ये बात करिए कि सर मेरा हाई स्कूल का रोल नंबर, पास ईयर, हर एक चीज मैंने बिल्कुल ही करेक्टली फिल किया है, फिर भी यहां पर ये चीजें दिखा रही हैं। तो इसकी जो संशोधन है वो क्या करना है उसमें वो कॉलेज वाले बता देंगे। देखो मेरी जो माने तो ये अपने आप सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्कूल वाले, कॉलेज वाले से आप बात कर लीजिए, अगर कॉलेज वाले भी कोई इसका जो है समाधान नहीं बता पा रहे हैं तो आप जाकर एक बार खोलकर उसको जो आपको उसमें करेक्ट करने लायक होगा वो आप करेक्ट कर लीजिए। कुछ लोग परसेंटेज में क्या गलती किए हैं कि जैसे किसी का 62.66 है तो उन्होंने 62.66 ना लिखकर किसी ने 62% लिख दिया और किसी ने 63% लिख दिया है। तो नहीं, आपको पूरा जो परसेंटेज है वो एकदम करेक्टली भर देना है। आप देख लीजिए किस ईयर में आप पास हुए हैं वो आप करेक्ट कर दीजिए, हर एक चीज आप करेक्ट कर दीजिए। और अगर ये ऑलरेडी करेक्ट है आपका तो आप आराम से अभी एक दो दिन का समय ले लो, फिर लास्ट में उसको सबमिट कर फाइनल प्रिंट निकाल लीजिएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या फाइनल प्रिंट वहां जमा करना है कॉलेज में? भैया आप सबमिट करोगे तो फाइनल प्रिंट निकलेगी कैप पेपर, आप निकाल कर उसको रखे रहिएगा और कॉलेज से बात कर लीजिएगा, अगर वो मांगेंगे तो दे देना, नहीं मांगेंगे तो मत देना, क्या दिक्कत है। तो फाइनल उसको सबमिट कर दीजिएगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि फाइनल सबमिट पर आप प्रिंट जरूर निकालिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस एंड अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड, इसका क्या मतलब है हमको ये बता दीजिए। सुनिए, यूआईडी यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 70% से ज्यादा प्रॉब्लम ये है। और मैं इसके लिए समझ लीजिए कि मैं कितने लोगों के पास कॉल किया हूंगा, क्योंकि ये कुछ चीजें नई आई हैं अब की बार, ये अब की बार कुछ नया चीज आया है, पिछली बार स्कॉलरशिप में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अब की ये नया आया है तो मेरे लिए भी ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हुआ। तो हमने बात करना शुरू किया हर एक जगह पर, जितने भी मुझसे बड़े हैं, मुझसे भी नॉलेज वाले जो लोग हैं, मैं सभी लोगों से बात किया और हमने कहा बच्चों को ये समस्याएं आ रही हैं बहुत ज्यादा। तो उन्होंने यानी दो तीन लोगों ने सेम चीजें बताई। सेम चीजों का मतलब जानते हो क्या होता है कि उन्होंने सेम चीजें बताई कि इसका रीजन सिर्फ ये हो सकता है कि आपने जो बैंक अकाउंट लगाया है, जो आपने आधार कार्ड लगाया है और जो आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई है, यानी कि आपकी पहचान क्या है, पहचान आपका आधार कार्ड है, पहचान आपकी जो है यानी उसमें जो डेट ऑफ बर्थ था आधार कार्ड में वो डेट ऑफ बर्थ जो है आपके हाई स्कूल में ना हो, या जो स्पेलिंग आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में वो स्पेलिंग आपकी
आधार कार्ड में ना हो, जो डेट ऑफ बर्थ, जो स्पेलिंग, जो फादर नेम, जो मदर नेम, जो एड्रेस, ये सारी दिक्कतें अगर किसी में आ रही हैं तो ये दिक्कत उनको दिखा रही है। अगर फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनका सब कुछ करेक्ट है, बैंक में जो आधार कार्ड लगा है वो बढ़िया है, जो इनकी सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें आपकी सही हैं, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, सब कुछ एकदम करेक्टली भरा हुआ है, फिर भी आपका गलत हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। एक बार आप कॉलेज जाकर बात कर लीजिए, अगर कॉलेज वाले समाधान कर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम ना समझ में आए तो आप एक दिन का वेट कर लीजिए, हो सकता है वो अपने आप ही सही हो जाए। और फिर भी अगर वही प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आप उसको आराम से, जो एडिट करने लायक है एडिट कर देना, नहीं एडिट करने लायक है तो आप सबमिट पर क्लिक कर फाइनल प्रिंट निकाल लेना, वो अपने आप ही सही हो जाएगा। क्लियर है ये चीजें? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। हाई स्कूल नंबर जिनका मिसमैच आ रहा है उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए अगर मैं बात करूं तो जिनका हाई स्कूल नंबर मिसमैच है तो अपना सही कर लो, अगर सही करने लायक है तो सही कर लो, अगर नहीं सही करने लायक है, आपने ऑलरेडी सही कर दिया है, तो अगर ऑलरेडी सही है फिर भी ये दिखा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज जाइए बात करिए। कॉलेज में देखो होता क्या, कुछ चीजें होती हैं कॉलेज में एप्लीकेशन के थ्रू सही हो जाता है, वो एक एप्लीकेशन लिख देंगे, आपका जो फाइनल प्रिंट है वो उसमें लग जाएगा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप देकर दे दीजिएगा तो एप्लीकेशन के माध्यम से वो सही हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। फिर मैं इसमें बात करता हूं कि कुछ बच्चों के जो है स्क्रूटनी रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है, अब ये लोग क्या करें? तो जिनका भी स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं शो कर रहा है उनको घबराना नहीं, ये सर्वर इशू है, समझ में आई बात? ये सिर्फ सर्वर इशू है, एक दिन आप वेट कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप कुछ मत करिएगा, अगर संशोधन का ऑप्शन है आप संशोधन पर क्लिक करिएगा, अगर सब कुछ सही होगा तो सही है, कुछ भी टच नहीं करने की जरूरत है, अगर फिर भी आपको गलत लग रहा है, कोई चीज उसमें गलत है, एक दो चीजें गलत हैं, तो आप सही करके सबमिट पर आप फाइनल क्लिक करके अपना लॉक कर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और जी ठीक है, और कुछ लोगों का ऐसा है कि जिसमें संशोधन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं उसको, उसमें संशोधन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो जिनका संशोधन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है उनका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, उनको तनिक सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने देखा हो ग्रीन ग्रीन टिक है, यस 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 लिखा हुआ है, उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? कुछ लोगों के जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक बार टैली कर लीजिए, क्या वो सारी चीजें सही है या नहीं सही है, अगर फिर भी आपको वो सारी चीजें सही लग रही हैं तो मैंने बार बार आपको कहा कि आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, एक्सपेरिमेंट करने लगो आप जाके कि अच्छा इस कारण हो सकता है या इस कारण, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ छेड़ना मत, अगर आपको सही लग रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है बैंक अकाउंट को लेकर, मैंने जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जा रहा था मैंने तभी बताया था कि आप आधार कार्ड जिसके भी बैंक अकाउंट में नहीं लगा है आप लगवा दीजिए, आधार कार्ड वहां पर बैंक अकाउंट में लगवा दीजिए, अपना आधार कार्ड चेक कर लीजिए, क्या आधार कार्ड का नाम, आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ क्या आपके हाई स्कूल मार्कशीट से मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, जिसमें नहीं मैच कर रहा है उन्हीं का बेनिफिशियरी क्रिएटेड अकाउंट आ रहा है, कुछ लोगों का रिस्पांस यानी बैंक से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है ऐसा कुछ करके दिखा रहा है, तो जिनका भी बैंक से कोई रिस्पांस वाला आइटम नहीं दिखा रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत होगी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है? तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, अगर सारी चीजें सही हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप सभी लोग से मैं सजेस्ट करता हूं कि कोई भी चीज करने से पहले एक बार आप अपने कॉलेज जरूर विजिट करिए, कॉलेज वालों से पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम किस रीजन से आ रही है, समझ में आई बात? बाकी अगर किसी के फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है तो आपको फर्जी हेडक नहीं लेना है, फिर आप आराम से देख लीजिए, संशोधन करने लायक कुछ नहीं, अगर आपको लगता है पूरे मन से कि मेरा कुछ भी संशोधन करने लायक नहीं है तो एक बार आप कैफे जाइए, हो सकता है कैफे वाले ने किसी का संशोधन किया हो और फिर उसका सही हो गया हो, ठीक है? क्योंकि संशोधन कैफे वालों ने बहुत बार किया होगा, तो एक बार उनसे चले जाइए, अगर उनको लगता है कि हाँ आपका सही है तो एक बार फाइनल सबमिट कराकर अपना फाइनल लॉक ले लीजिएगा, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, फिर वो अपने आप जो है सही हो जाएगा। उन्होंने वो स्क्रूटनी रिजल्ट में एक सस्पेक्ट दिखाया है, ठीक है, कि ये संदेह दिखाया है कि ये संदेह हो सकता है, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपकी मैंने लगभग लगभग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी होगी, ठीक है? अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप मुझे वहां से आकर मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अब की बार क्या है कि बहुत सारी चीजें नई नई ऐड की गई हैं, हर बार क्या होता था स्टेटस आ जाता था, स्टेटस में जो जो चीजें गलत होती थी, रोल नंबर गलत है तो रोल नंबर लोग जाकर सही कर देते थे, अब की कुछ अजीब अजीब चीजें जो है दे रहे हैं, जैसे यूआईडी जो है किसी को समझ में नहीं आया है, सभी लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं ये बता क्या रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है अगर आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल से मतलब सही है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, आप जाके
उसको फाइनल सबमिट करके लॉक कर दीजिए, बात खत्म, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, जय।